आइए, आ गए आप लोग? नहीं नहीं आए, पहले कोई बताएगा ये हो क्या रहे? ये मतलब हम यहाँ, ये बाबूलाल जी कहाँ से आ गए बीच में? बाबूलाल जी खुद सब समझाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। प्लीज टेक केयर ऑफ देम। कौन सर? आओ आ जाओ, प्लीज मिलते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द रोजिएट, दिस वे प्लीज। भाई खाना मिलेगा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, नहीं मैडम, हमें नहीं बनवाना क्रेडिट कार्ड। That's not a credit card. It's your room key, sir. क्या? क्या बोला आपने? भाई जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे सर बोला है। देख रहे? मैडम फिर सर का ना एक और काम कर दो आप। मैं ना दो दिन से नहाया नहीं हूँ, पूरा बदन ना चिपचिप कर रहा है, तो आप ना शैम्पू साबुन तेल और तौलिए वाली चप्पल का भी जुगाड़ करा दो। What's up? तौलिए वाली चप्पल मैडम? हाँ हाँ वो चल। भाई चौबी ऐसी तो ताला कैसा होगा? बस बाबूलाल को हमसे क्या चाहिए? हमारे पास है ही क्या देने के लिए? ओए 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 ओए। भाई कहीं ये बाबूलाल होमो तो नहीं अपने स्कूल वाले अमित की तरह? नहीं भाई, मैंने सुना है कोई कोई नेता लोग शौक रखते हैं लड़कों का। यस सर, बाबूलाल जी ने बुलाया आपको। देखा भी देखा, मैंने कहा था ना, जा भी लाली पहले तू चले जा। चल बे चल, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जी आप सबको बुलाया है। सबको? जी एक साथ? जी सर। लो बेटा जी, लो बेटा जी। नॉन वेज नहीं। ओके ओके, देन टेक दिस। सर जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? जो बोलना है निडर होके बोलो बेटा जी। सर जी मैंने जी, आंटी जी नहीं दिखाई दे रही कहीं? क्या हुआ, घूर क्या रहे? नहीं दिखी आंटी जी तो मैंने पूछ लिया। नहीं वो क्या है ना, मैंने सोचा कि क्लियर कर लूं, कहीं आप हमारे स्कूल वाले अमित की तरह हो। क्या किया यार, सारा मुर्गा गीला कर दिया, और तुम्हें सुखाना पड़ेगा अब। सर जी मैंने सुना। बेटा एक सेकेंड, क्या नाम है बेटा आपका? चूचा। चूचा, फिर ठीक। क्या कह रहे थे आप? मैंने सुना है कि नेता लोग किसी को अपनी बगल का बाल तक मुफ्त में नहीं देते। बिल्कुल सही सुना है। तो पर एक खातिरदारी के बदले में आप हमसे क्या चाहते हो? एक वचन, एक प्रॉमिस चाहता हूं। लो बेटा एक और। प्लीज, तुम्हें मालूम है हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूथ, युवा। और जब मैं तुम जैसे भटके हुए नौजवानों को यूं देखता हूं तो मुझे बहुत दर्द होता है। बेटा जी सेल्फिश दुनिया में सब कुछ गिव एंड टेक पे चलता है, सभी का ध्यान टेक पे है बस। मैं जानता हूं तुम लोग किस तकलीफ में हो, मैं चाहूं तो तुम्हें एक दिन में इस तकलीफ से निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। सर जी बस आप इस झंझट से निकाल दो और बदले में जितने वचन चाहिए ले लो। तो फिर वादा करो तुम अपने इस किए की सबके सामने माफी मांगोगे और आज के बाद कोई दो नंबर का काम नहीं करोगे, मेहनत करके देश का नाम रोशन करोगे, देश के युवाओं के लिए उदाहरण बनोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा करते हो तो मैं कल ही सबके सामने दिल्ली वालों की एक एक पाई लौटा दूंगा। कोई पुलिस केस नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। इंसाफ की डगर पे चल जरा, कदम कदम मिलेगा तुझको फलसफा, तू देश की बुलंद सी आवाज बन, गूंजेगा माटी का नाम हर दिशा। नीरू चाचा, आखिर अब अपने चूचे से मिलने आई गए। पता है आपके
मैंने कितना पढ़ा, मैं मम्मी को भी कहता था कि आप एक दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। थैंक यू चाचू। बोलो, देते हो वचन? भारत माता की जय। भारत माता की जय। Excuse me, Motama. Where you go? Pandiji. Up? Pulling says thrilling? Abhe, pulling is thrilling, both are struggling. Madam se milwao jara. भोले मैडम, आप ना वाकई में भोली हो। नहीं मतलब यकीन नहीं होता कि आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। नहीं आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। दिमाग अभी गर्म है मेरा पंडित, पहेलियां मत बुझा। ठीक है, आपको पता है दिल्ली में लॉटरी का धंधा कौन चलाता है? टिड्डा चलाता है, और कौन? और टिड्डे का बाप कौन है? टिड्डे का बाप? अरे पर उसकी माँ तो धंधे वाली थी ना। पर्सनल एडवाइस तुम भूल जी, कुछ भी हो जाए उस चूटिए से ना दूर रहा करो। नॉट गुड फॉर हेल्थ, ही इज वायरस, असर दिख रहा है। अरे बाप मतलब मालिक मैडम, और टिड्डे का मालिक है बाबूलाल भाटिया। दिल्ली और बॉर्डर के इलाकों में मंत्री जी का लॉटरी का कारोबार चलता है। अबे हट, मैं बाबूलाल भाटिया के शरीर का एक एक तिल जानती हूँ, मुझे मत गिना उसके धंधे। यही तो मात खा गई आप मंत्री से। जब उसको ड्रीम फैक्ट्री का पता चला तो उसने नंबर पलट दिया। पुख्ता खबर है पंडित के सिल मुहर के साथ। पंडित अगर तू अभी कोई खेल खेल रहा है ना। भोली जी आप मेरी शक्ल देखिए, आपको लगता है इस वक्त मेरी औकात है कोई खेल खेलने की? अरे वो तो भला वो नूर बानो का, जिसने धांसू खबर के साथ साथ अपना बुरका दे दिया। नूर बानो जी, वो जीबी रोड वाली जी, एक जमाने में मंत्री जी का मालिश करती थी, आजकल कोठा चलाती है। देखो भोली जी, बाबूलाल ने नंबर पलट दिया बनता है, लेकिन आपके नाक के नीचे से चारों फुकरों को उड़ा ले गया। क्यों? नहीं ऐसा तो नहीं उसे खजाने का पता चल गया हो? पंडित तू अभी के अभी वहां जा और कप्तान को मंत्री की करतूत बता, और उन्हें फिर से याद दिला दे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बाबूलाल भाटिया को खजाने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बाकी मैं कुछ सोचती हूँ। मैं नहीं मैडम, बाहर बैठून के प्यासे घूम रहे हैं, मैं कैसे चला जाऊं? मैं बताती हूँ कैसे। भिंडी 850 रुपए, बटर चिकन 2300 रुपए। भाई बड़ी झुरझुरी हो रही है नीचे जाने। चुपचाप खड़ा रहे, वहां जाने की सोचियो भी मत। एक बार आजाद हो जाए फिर मिटा लियो झुरझुरी भी। ठीक ना भाई, चौन फॉर रिसेप्शन है, हीरोइनी भी नाचेगी वहाँ। प्लीज यार एक बार जाने। हेलो रूम सर्विस। नो सर, दिस इज रिसेप्शन। ओह, क्या मैं जान सकता हूँ कि हमें क्यों नहीं बुलाया रिसेप्शन पे? सर ये रिसेप्शन डेस्क है, रिसेप्शन पार्टी बाहर लॉन्स में है। ओफो, एक ही होटल में दो दो रिसेप्शन रखोगे तो कंफ्यूजन तो होगी ना। सॉरी सर। इट्स ओके, बायना कैलकुलेटर्स हैं। व्हाट सर? बायना कैलकुलेटर्स बहन जी। No sir, we don't have that. Virus. क्या है 04 वाला? कभी तेल कभी चप्पल। What is this spinal calculators now? It's दूरबीन। Sorry sir. Nothing. Is 05 empty?